नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते, अभी तुम ठीक नहीं हुए हो। नाना, कहीं तुम फिर से बेहोश हो गए तो? बेहोशी कल रात ही टूट गई थी। तो तुम्हें कल रात ही होश आ गया था? देखो, मुझे सब कुछ याद है और मैं तुम्हें भी पहचान रहा हूँ, इसका मतलब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब तुमने मुझे रोते हुए भी सुन लिया? वैसे रोते हुए बिल्कुल छिपकली जैसी लगती हो, आगे से ध्यान रखना। रुको, इसने मुझे बताया क्यों नहीं, इसे कल रात ही होश आ गया था। मिस्टर हांग, ये आप क्या देख रहे हैं? ये हाल ही में अपनी बेटी को भेजा था उसकी अंतरात्मा को जगाने के लिए। वो एक बहुत बड़ी वकील बन सकती है, बस उसका दिमाग सीधा चलना चाहिए। वक्त बदल गया है, ईमानदार, सीधे और सच्चे मुझ जैसे पुराने ख्यालों वाले इन बेईमान लोगों को कभी नहीं हरा सकते। कोई चाहिए मजबूत और निडर जो इनसे लड़ सके, और चायंग में ये दोनों खूबियां भरी हैं। पर जब भी मौका मिलता है तो आप उसे ये सब समझाते क्यों नहीं है? वो मेरी तो कभी सुनती ही नहीं, लेकिन समझेगी सही वक्त आने पर। अगर मैं उसे सही रास्ते पर ना ला पाया तो तुम जरूर समझाना उसे। जब तुम सिगरेट ही नहीं पीते तो लाइटर लेकर क्यों घूमते हो? इसकी आवाज मुझे सोचने और शांत रहने में मदद करती है। वैसे आगे क्या करना है, कुछ सोचा है? मुझे ये कोई साजिश लगती है। मैं इस हादसे की पूरी